मेरे हस्बैंड का घर है, ये आदिल का घर है। एंट्रेंस कहाँ से? एंट्रेंस कहाँ से बताओ ना। ये है क्या? ताला मार दिए। ये देखो ताला मार के चले गए, ताला मार के चले गए। आदिल का घर है मैसूर में। मेरे ससुराल आई हूँ, मेरे सास ससुर भाग गए हैं। सुबह फ़ोन किया था तो मुझे बहुत डांटा उन्होंने, ताला मार के चले गए। कह रहे कि हमने तुम्हारी शादी और तुमको एक्सेप्ट नहीं किया है, आओ पीछे से चले। वो काट फिर दोबारा तो बोला था ना, मैं चाहे रहे ना रहे मैंने तुझे वादा किया था कि मैं खड़ी रहूंगी। टेंशन मत ले, तुझे कसम है, रो मत। मुझे वो चीज याद आ गई, खुदा। नहीं रो राखी, छोड़ दे, कोई बात नहीं, ऊपर वाला है। रो मत कर। शैली जी, क्या ये सच है कि आदिल अब्बास जी का ड्राइवर था? आपने भी उनसे मुंह से सुना ही होगा मेरे बताने से, अगर ऐसा मुझे लगे। पता नहीं था वो अब्बास जी का ड्राइवर है, मुझे अभी अब्बास जी ने बताया कि वो मेरा ड्राइवर है और अभी यहाँ पे घर देखने आई तो वो झोपड़पट्टी में रहता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गरीबों से, लेकिन सच बोलना चाहिए था। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आदिल ने। ओ खुदा, हे मेरे खुदा, कहाँ हो आप? निकाह हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ, मीडिया में पूरा डिनाई किया। अभी रेप केस हो गया, मुंबई में केस हो गया, मैसूर में। अभी आदिल को करना क्या है पता नहीं। उनके माँ बाप को फोन करी, उनके माँ बाप बहुत गंदा मेरे को बोले कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं किए। बोलते तू हिंदू है, बहुत गंदा बोला। मेरे एक इस्लाम कबूल करने से इनको 7 पोस्ट इनकी जन्नत में जाएगी। बिल्कुल, मैंने इस्लाम कबूल किया, मैं नमाज पढ़ती। आज आप देखिए बुर्का साड़ी सब पहन के आई, क्योंकि अपने पति और हम ससुराल वालों की इज्जत में, इस्लाम की रिस्पेक्ट में, ये सब मिलकर मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अभी मेरे को क्या करना, क्या इस्लाम में रहना या फिर से वही जहाँ से आई वहाँ चले जाना। सास ससुर साथ नहीं दे रहे, पति साथ नहीं दे रहा, क्या करना मुझे? मैसूर वालों से मैं कहती कि मेरे को जस्टिस दिलाओ। अब्बास जी से, शैली, राजा राम, जाकिर भाई, जितने भी बाबू भाई, जितने भी लोग हैं मैसूर के लोग, मौलाना जी, माननीय जितने भी यहाँ के मंत्री हैं, MLAs हैं मैसूर के, हिंदुस्तान के मुस्लिम्स, हिंदुस्तान के मौलाना, क्या करना मुझे? एक लड़का मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करके चला गया। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ कि वो खिलवाड़ कर सकता, ये नहीं अपना रहे मुझे। क्या आगे का मौका मिल रहा ना अब्बास जी, मेरा इस्तेमाल किया। इन्होंने बोला था मैं तुम्हारे साथ रोजा करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ उमरा करना चाह रहा हूँ। मैं तो रेडी थी हर चीज के लिए। उनके डैडी आज ही बोले हम तुमको नहीं अपनाए,